अरे भाई साहब देख के चलाओ ना। देख के क्या, अंधा है तू? दिखाई नहीं दे रहा गाड़ी बैक कर रहा हूँ मैं। अरे भाई साहब गाड़ी बैक करोगे तो देखोगे तो नहीं है सड़क पे की खाली है कि नहीं है। अबे तेरा भेजा खाली है क्या है? अपनी ये 1000 रुपल्ली की साइकिल की बराबरी मेरी गाड़ी चकर रहा है तू? साहब जिसकी जो हैसियत होगी वही लेके चलेगा ना। पता लग गई ना अपनी हैसियत। रुक रुक रुक, डेंट तो नहीं मार दिया कहीं तूने गाड़ी में? साहब इस साइकिल से क्या डेंट पड़ेगा। अबे ये क्या कर दिया? अरे साहब नहीं हुआ है कुछ, वो तो चुप कर और खड़ा रही। हाँ बोलो। निकल गए क्या? अरे अभी तो घर के बाहर खड़ा हूँ और तुम्हारा फोन आना शुरू हो गया। अरे सुनो तो, गैस खत्म हो गई है। गैस खत्म हो गई? अब गैस भरवाने भी मैं ही जाऊंगा क्या? रुको भेजता हूँ ऑफिस से किसी को। हाँ क्या है ये? आप बेकार नाराज हो रहे हो, वो पुराना निशान था सर। पुराना निशान है? बकवास कर रहा है तू यहाँ? हमारे तो खुद पाँव में चोट लग गई है, साइकिल का ही रिम मुड़ गया है। हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे। क्या क्या दिखा तू? समझता हूँ तुम जैसे लोगों को, हमारी गाड़ी के आगे आते हो फिर हर्जाना मांगते हो। चल भाग यहाँ से, भाग जाने तो पुलिस बुला दूंगा अभी। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। तो नुकसान कर दिया, ऊपर से हम ही को बातें सुना के चले गए। हाँ जी नमस्ते। वो भैया ने सिलेंडर और पैसे मंगाए थे। भैया? हाँ वो जयंत भैया ने, सिलेंडर खत्म हो गया ना। तुम उन्हें भैया कहते हो? वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। एक बार मैंने उनका आईफोन खोने से बचाया था ना, तब से उन्होंने कहा कि मुझे भैया ही बोला कर तू, जयंत भैया ने। अच्छा तभी तो मैं सोचूं, जो इंसान नाक में मक्खी नहीं बैठने देता वो मैं कहाँ से मुंह लगाएगा। गुस्सा तो बहुत खराब है भैया का, मैंने देखा है। आप ना जल्दी से सिलेंडर दे दीजिए वरना भैया मुझे भी डांटेंगे। मैं सिलेंडर हाथ में लेके थोड़ी बैठी हूँ भैया, अंदर आके ले लो। 1000 रुपये रखिए, जो बचे रख लेना। धन्यवाद भाभी, इस साइकिल का रिम मुड़ गया था, इसको ठीक करा लो। अच्छा ये पैर में क्या हुआ आपके? एक था अंधा पागल गधे का बच्चा, गाड़ी बैक कर रहा था, हमारे पाँव में मार दिया। एक मिनट, ये कुछ पैसे हैं, ये रखो आप, इलाज करवा लेना। धन्यवाद भाभी। देखिए एक आप हैं, कितना चिंता कर रही हैं। एक वो उल्लू का पट्ठा था, आते हैं हम। हाँ बोलो शिल्पा। वो भैया आया नहीं अभी तक सिलेंडर लेके। कौन भैया? वही जिसे तुमने भेजा था सिलेंडर लेने के लिए। पर मैंने तो अभी किसी को भेजा ही नहीं। तो वो कौन था जिसको मैंने 1200 रुपए दिए और सिलेंडर भी? 1200? तुम्हें पता नहीं है सिलेंडर 900 का है? अरे मेरे पास खुले पैसे नहीं थे तो 1000 रुपए दे दिए, और उसके पाँव में चोट लगी हुई थी तो 200 रुपए ऊपर से दे दिए मैंने उसे। पर अगर तुमने नहीं भेजा तो किसने भेजा उसे, कौन था वो? क्या बोल रहा था वो, कैसे लगी चोट? वो कह रहा था कि कोई अंधा पागल गधे का बच्चा था जिसने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी अपनी गाड़ी से। और हाँ उल्लू का पट्टा भी कह रहा था। किसे? उसी को जिसने मारा उसे। वो मैं ही था। कौन? अंधा पागल गधे का बच्चा, उल्लू का पट्टा। क्या बोले जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम? मैं पागल हो गया हूँ? तुम तो होश में थी। एक बात बताओ, घर से ऑफिस आने में मुझे आधा घंटा लगता है, तो मैं इतनी जल्दी किसी को कैसे भेज सकता हूँ? शांत हो जाइए आप। क्या शांत हो जाऊँ? ये तो सुबह सुबह तुमने नुकसान करवा दिया, ऊपर से बोल रही हो। थोड़ा देर हो गया, दूर मिला था सिलेंडर। आ गया वो। क्या? सिलेंडर लेके। हेलो भैया है क्या? हाँ। लाइए हम बात करते हैं। हेलो शिल्पा। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ पहुँचा दिए सिलेंडर। और हाँ वो 300 रुपये ज़्यादा इसलिए लिए थे क्योंकि वो ब्लैक वाला पैसा ज़्यादा मांगता है। पर भैया मैं मंगवा लेता बुक करके, तुमने क्यों? आपको सबक भी तो सिखाना था ना भैया, कि आदमी गरीबी और अमीरी देखकर चोर नहीं होता, नीयत से होता है। हमारा भविष्य भले ही अंधेरे में हो लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। आज फिर तेरे घर का रास्ता दिखाती है सड़क, थिरकते हुए पैरों तले सरकती जाती है सड़क, बेरंग हकीकतों से मद भरे ख्यालों तक सड़क ठहर।
डर कर उल्टे कदम फिर अपने घर ले जाती। मुझको फासलों का मकसद सिखाती है सड़क।